गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बाइकर मुस्तफा। आप वीडियो यहां से क्यों देख रहे हो? पहले जाके इंट्रो देख के आओ भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाइकर मुस्तफा। आज मैं जा रहा हूँ बुरहानपुर से इंदौर। पीछे तो रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब थी, बट मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। मैं सोचा जाने दे यार, छोड़ जाने दे, बट अभी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बताना तो पड़ेगा। आप देख रहे हो रस्तों की कंडीशन, मतलब इतनी हालत ख़राब हो रही है रस्तों की कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। देख रहे हो मेरा कैमरा कैसे झूल रहा भाई ये। तो गाइस देख लिया आपने इंट्रो। अभी जो है 187 किलोमीटर फ्रॉम बुरहानपुर टू इंदौर। आपने जो ये वीडियो देखा उसमें आपने जो है जो गड्ढे देखे ना, मैंने आपको डिसेंट वाले बताए हैं, मतलब जो बहुत ही ख़राब थे, बद्दे थे, जहाँ पे साइड पे नया रोड बन रहा था वो वाले तो हमने दिखाए भी नहीं। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के कुछ खिलाफ हूँ या गवर्नमेंट के साथ भी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता चले कि भाई हम जो इकोनॉमी में रह रहे हैं, हम जो क्लेम कर रहे हैं कि थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, फिफ्थ इकोनॉमी बनेंगे, और जो जीडीपी का रेशियो आ रहा है 7.2, वो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। ओके, हमारा तो 90% जो काम है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं, और वो काम हम करते हैं बाइक पे, और वहाँ पे हमको काम आता है रोड्स। तो रोड बिल्कुल भी भाई यार, 187 किलोमीटर्स, 5.5 घंटा। होटल में आ गया हूँ, मैं अभी पहुँच गया हूँ इंदौर। तो ये था रोड का हालत, बट अभी 4-5 दिन में बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई भाई। अपने जो है डोनाल्ड ट्रंप यूएस में वो जीत गए हैं। ये जीत जो है ना बहुत ऐतिहासिक मानी जा रही है, उसका रीज़न है अगर कमला हैरिस गलती से भी आ जाती तो ये बात समझ लो कि शी इज लाइक निर्मला सीतारमन अपने इंडिया में जो है ना मिनिस्टर, वैसी है वो। टैक्स बढ़ा देती, इंटरेस्ट रेट कम नहीं करती, और यूएस के लोगों की ही जो है वो जान खा लेती। और अभी जो वॉर का सीनेरियो चल रहा है ना सब जगह, जो बाइडन के आने से हुआ, लोग खुश हो रहे थे जब बाइडन आया। हमको पता था कि वो क्या करेगा, आप बाइडन का हिस्ट्री देख लो आपको पता चल जाएगा कि बाइडन करेगा क्या। पानी है, पानी। तो सॉरी गाइस, तो बाइडन आते से हमको पता था कि ही इज प्रो वॉर। 5 साल में उसने पूरा समीकरण बदल दिया यूएस का, पूरा मंत्री पलट कर दिया भाई। ट्रंप को मौका मिल गया और वो घुस गया, और वो साथ में लेके घुसा इलोन मस्क को। ये दोनों बहुत बड़ी हस्ती है भाई, ये बात मान के चलो। ये दोनों मिल गए ना, जो ऑफकोर्स मिल गए, ये यूएस को कहां से कहां पहुंचा देंगे। ट्रंप इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, दूसरे सभी देशों से जहां जहां से उनको मदद आ सकती है वो सारे रास्ते खोलेंगे, ट्रेड के रास्ते खोलेंगे, बराबर है। और वो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे किसको, वो आपको पता ही है। आप यूएस को देखो, इलन मस्क बिल्कुल खुल के आ गए वो कि हमें जो है ट्रंप को सपोर्ट करना है, नहीं तो ये लोग जो है ना गदर मचा देंगे। मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है ना किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आके करना चाहिए, और ये जो अनोनिमस ट्रांजेक्शन होते ना चुनाव के, वो छोड़ के क्लीन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इलोन मस्क दिया है तो वो तो सूद समेत लेगा ना, तो उसमें गलत क्या है? अगर ही इज मेकिंग अमेरिकन ग्रेट, गलत तो नहीं है ना, तो वो हमको इंडिया में चाहिए अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो। बट अभी क्या होगा, पूरा समीकरण बदल गया भाई। अब ये हो गया है कि जो पूरा वर्ल्ड का तो जो ऑर्डर था ना वो पूरा चेंज हो गया भाई। ओके,
रशिया, यूक्रेन, ईरान, इराक, ये बात आप इजराइल आप देख रहे हो, और फ्रांस, ये जो सारे के सारे लोग के साथ जो यूएस लड़ रहा था ना, ओके, बाइडेन के टाइम पे, ये पूरा चेंज कर देगा। ये जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था ट्रंप साहब ने कि हम आते से ही सब बंद कर देंगे भाई, सबको बुला लेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे, ओके, आप समझो वो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे तो वो भी तो अपने इंडिया में चल रहा था ना, बहुत से आजू बाजू देश वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके घुस रहे थे, तो ट्रंप जो है वहां पर जो घुस रहे थे उनको निकालेंगे, बराबर है, तो ही तो इनका इकोनॉमी जो है वो ढंग पे आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। ट्रंप बिजनेसमैन, इलोन मस्क बिजनेसमैन, ये दोनों मिल जाएंगे, आप समझ लो यूएस के अंदर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम कैसे आने वाला है, ओके। दूसरी बात कि भाई टेक्नोलॉजी पूरा चेंज कर देगा यूएस चार साल में, ट्रंप को पता है उसके पास चार साल है, हाँ चार साल में उसको जो करना है वो करना है, क्योंकि वो थर्ड टाइम तो नहीं आ सकता, तो पूरा जोर लगाएंगे। इलोन मस्क जो जो फाइलें अटकी पड़ी थी इंक्लूडिंग यूरोप के मतलब अप्रूवल के लिए, वो भी साइन होगा ना, ये यूजुअली बिजनेस में होता क्या है, एक फोन जाएगा कि भाई साहब एक फाइल भिजवाया हो आपको, आप देख लेना, और उसमें तीन जगह हमको साइन चाहिए वो कर देना, नहीं तो आपको हम नेटो में देख लेंगे। अभी भाई यूरोप करेगा क्या, उसको तो बचना है, सिक्योरिटी तो चाहिए, तो उसको साइन करना पड़ेगा, तो इलोन मस्क को फुल फुल खुला रास्ता मिल गया। आपको लगेगा मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, भाई साहब अब इंडिया का जो सपना है ना थर्ड इकोनॉमी बनने का, वो थोड़ा दूर जा रहा है, ये दो बिजनेसमैन मिल गए, बराबर है, इंडिया में सिर्फ एक ही है और वो है मोदी जी, बाकी तो सब मतलब क्या बोलूं मैं आपको, इनका दिमाग सिर्फ आपस में लड़ाने में चल रहा है। वहां की इकोनॉमी अब दौड़ेगी, मान के चलो आप ये लिख के ले लो, कमेंट आके कर देना 6 महीने के बाद, ये 6 महीने में 8 महीने में जो ट्रंप साहब है ना भाई साहब, ये जो है ना रूथलेस काम करेंगे, इनको पता है कि 4 साल रहना है, इलोन मस्क को पता है कि भाई उसको जो भी फाइल साइन करवाना है ना ये 4 साल में साइन करवाना है, उसके बाद, और उसके बाद इनके पास ऐसा कोई कैंडिडेट है भी नहीं कि जो फिर से जीत के आएगा और फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाएगा, राइट, तो सब कुछ बदल जाएगा। अब ये गिव एंड टेक चलेगा, अगर गिव एंड टेक चलेगा तो फिर अपने राहुल भैया आएंगे, हैं, वो बोलेंगे अरे आपने यूएस को ये दे दिया, चाइना को वो दे दिया, रशिया को वो दे दिया, क्या कर रहे हो मोदी जी। अरे भाई ये राहुल जो है ना, ये वो व्यापारी है जो माल लाता है दुकान में भरता है, बट ये एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, ये कम से कम बोर्ड पे कुछ लिखेगा भी नहीं, ये दुकान में जाके बैठ जाएगा कि कस्टमर आके खरीदे, और ये बोलेगा कि भाई हमारे बाप दादा परदादा यही काम कर रहे थे, यहाँ पे अमेजोन चल रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग चल रहा है, यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट चल रहा है, व्हाट्सएप पे सेलिंग चल रहा है, और ये भाई साहब जो है ना दुकान लेके बैठे हैं, ऐसी हालत है राहुल भैया की। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूं कि यहाँ के रोड खराब है, यहाँ का ये है, यहाँ का वो है, मुझे गवर्नमेंट से कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका जो भी काम हो उसको मतलब सहारे ना, उसका अच्छी बात ना करे, हम करते अच्छी बात, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी डिस्कस ना करे, वो भी करे।